आज मैं आपको लिए जा रही हूँ अपने गांव बाड़ा उत्तराखंड, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम रिसोर्सेज से पहाड़ी चिकन टिक्का कैसे बनाया जाता है। आज हम चिकन टिक्का बनाएंगे और चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने ये स्क्यूअर्स बनाए हैं दो। ये हमारी अंगीठी है, इसमें हम ये फायर करके हम चारकोल बनाएंगे। अभी मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू है। हमने चिकन को मैरिनेट किया है, इसमें हमने पेपर एंड जीरा को थोड़ा भून के डाला है। अब हम इसको स्क्यूअर में लगा के इसको तैयार करें। स्क्यूअर में लगा रहे हैं इसको, इसमें से लगे हमने टिक्का रख दिए हैं। अब थोड़ी देर हम बाद हम इनको जो है चारकोल जैसे हमारा तैयार हो जाएगा इनको जो है बनाना शुरू करेंगे। फिर हम इसको धीरे धीरे अभी देखिए हमारे ये हाफ डन हो गए हैं। धीरे धीरे हम इसको अभी और इसका पानी सूखेंगे, इसको धीरे धीरे कम आंच में। ये हमारे हल्की धीमी आंच में ये हमारे टिक्के तैयार हो रहे हैं। अब हमारा ये गर्मा गर्म लजीज पहाड़ी चिकन टिक्का तैयार है और हमने इसे सर्व किया है अपने बगीचे के फ्रेश पुदीने, नींबू और आंवले की चटनी के साथ। आइए हम इसका मजा लें उत्तराखंड की ठंडी वादियों में।